আজকে বানাবো ছোলা দিয়ে লাউয়ের তরকারি। তো ছোলাটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম রাত্রেবেলা, সকালবেলা ওটা জল ফেলে ধুয়ে নিয়েছি। লাউ, কাঁচা লঙ্কা, আদা। তো আজ বানাওঙ্গি মে কাবুলি চানে সে দুধি। ইউ তো আপ দুসরা চানা ভি লে সকতে, অন্য চানাও নিতে পারেন। মির্চি লে লি অর এক টুকড়া অদরক। ये जो भाजी है मेरी, मैंने ऐसे ही बनाया। मम्मी बोलती थी इसे चना के साथ बना सकते हैं, तो काबुली चना से मैं बना रही हूँ। पता नहीं दूसरा और कोई बनाते कि नहीं, उन्हों क्यों एरकम बनाए कि ना जानी ना। माँ बोलतो छोला दिए लाओ वो भालो लगे, ताय आमी एटा एरकम बनाई। तो एर जन्ने आमी एबारे कड़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है, आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्षे तेल नहीं, अपनी जेकोनो तेल नीते पारे। तार भीतरे देव जीरा, तेल गरम होने देते हैं थोड़ा। थोड़ा अखा जीरा हमने डाल दिया है, उसमें डाल दी अदरक आधा टा दिए दिलम काचा लंका, हरी मिर्ची डाल दी। अब हमने डाल दी दो चना, बहुत फास्ट बन जाता है। चना डाल दिया इसके ऊपर, छोलाटा दिए दिलम। छोलाटा बेसिक्षण तेले एरकम देवें ना, खानिक्षण मैं झटपट चना डालेंगे, उसके ऊपर दूधी डाल देंगे। चना को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, तुरंत ये डाल देंगे उसके ऊपर दूधी। उसमें डाल देंगे नमक, नून दिए दिलम। हल्दी गुड़ो, हल्दी पाउडर, थोड़ा जीरा लिए, डालेंगे थोड़ा पानी, একটু জল দিয়ে দিলাম। আর এটাকে ঢাক দিই, এখন ঢেকে দিই। সেম ওই মেথড, এসকো 10 মিনিটস এসে, পেলে ফুল স্পিড পে, ফির ধোঁয়া উঠনে কে বাদ কাপ। এরকম ধোঁয়া উঠার পরে 10 মিনিট আমরা ঢেকে রাখবো। প্রথমে ফুল, তারপরে যখন ধোঁয়া উঠবে কম করে দেব আঁচটা। ধোঁয়া উঠ রা হ্যা, আব মে 10 মিনিটস সিম করকে রাখুঙ্গি। ধোঁয়া উঠছে, এবারে আমি এটাকে আঁচটাকে কম করে দিলাম, 10 মিনিট এমনি সিদ্ধ হতে দেব। 10 মিনিট কে বাদ ঢাকন খোল লেতে হ্যা, 10 মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলে দিলাম। দেখুন ছোলাগুলো দেখতে হবে সিদ্ধ হয়েছে কিনা। যে চানা হ্যাঁ ও বয়ল হুয়া হ্যাঁ কি নি, উসকো নিকাল কে আপ দেখ সকতে হ্যাঁ। আগর নহি বয়ল হুয়া তো ওর থোড়ি দের রাখ দেনা হ্যাঁ। যদি না হয়ে থাকে সিদ্ধ, তাহলে আরেকটু ঢেকে রাখতে হবে, কিন্তু সাধারণত হয়ে যায়। হয়ে গেছে, আপ দেখিয়ে ইয়ে बॉयल हो चुका है। होएगा जी शीत, तो हमने वापस डाल दिया चेक करने के बाद। थोड़ी चीनी डालते हैं, एक टू चीनी दिए दिला, शक्कर थोड़ा दे दिया है, बहुत थोड़ा। अब इसको फुल स्पीड कर देंगे,
या तो मीडियम स्पीड, फुल स्पीड ना तो मीडियम स्पीड कर देवें आज टाके, मध्यम ना हले तो जोरे कर देवें। फिर भाजी थोड़ा हेवी हो जाएगा, तरकारीटा एक तो भारी हो जाए, थोड़ा भारी हो जाएगा भाजी, तो तभी हम लोग उसको निकाल लेंगे। ये भाजी ऑलमोस्ट बन चुकी है, तरकारीटा हो गए। एरकम ही एक रसा रसा रखते हैं, थोड़ा ऐसा पानी पानी रखना है, ज़्यादा सूखा नहीं करना है, बेसि शुकनो कर देना। एबारे एटा नामिए नेब, इसको उतार देते हैं। देखिए कितना अच्छा एक दूधी और चने की सब्जी बन गई है, कि सुंदर एक लाउ छोला तरकारी तैरी हो गए। निश्चय भलो लगे बनिए खान, जरूर अच्छा लगेगा आपको। ये सिर्फ हरी मिर्ची की भाजी है, विदाउट मसाला, एक्टो मसला हमरा व्यवहार करिनी, शुद्ध काचा लंका दिए तरकारीटा, काचा लंका आदा ऑफकोर्स, नून हलुद, नमक, हल्दी और मिर्ची और अदरक, इससे बन गई ये भाजी। बाय।